फाइंड द रेशियो ऑफ 50 रुपीज टू 500 पैसे एंड अरहम जैन सर, क्वेश्चन क्वेश्चन है, यू हैव क्या है? 550 50 रुपीज। टू 500 पैसे। ओके, अरहम जैन, करेक्ट आंसर। योर आंसर इज करेक्ट, अरहम जैन। देशना, रॉन्ग आंसर देशना। चाहत, करेक्ट आंसर। तानी बोथरा, रॉन्ग आंसर। तानी बोथरा रॉन्ग आंसर है, देखो अच्छे से बेटा। तीर्थ मेहता, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चेष्टा, सॉल्व करो। अच्छे से देखो बेटा, ताने कहाँ मिस्टेक हुआ है। यस, तानी करेक्ट आंसर। तीर्थ मेहता रॉन्ग आंसर। सर मेरा सही है, सर मेरा सही है। और ये सॉरी रॉन्ग आंसर। एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? सर ओके मैं करो। करूं? ओके यस, चाहत। सर क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो 50 रुपीज 500 पैसे। तो सर 500 को 100 से, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो सर 500 रुपीज इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो अब करना है 50 रुपीज और 5 रुपीज का रेशियो निकालना है। तो सर पहले 50 लिखेंगे, फिर नीचे 5 लिखेंगे। 5 1 5 5 10 50, तो आंसर होगा 10:1। वेरी गुड। सो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। सो 500 रुपीज इक्वल टू 500 × 100 पैसे। सो नाउ रेशियो ऑफ 50 रुपीज टू 500 पैसे, दिस इक्वल्स 50 रुपीज अपॉन 500 पैसे। सिंस इन दिस क्वेश्चन देयर आर डिफरेंट यूनिट, फर्स्ट वन इज रुपीज एंड सेकंड वन इज पैसे, सो वी नीड टू कन्वर्ट रुपीज इन पैसे और अदर 5 पैसे इन रुपीज। मींस वी हैव टू यूज सेम यूनिट। सो 50 रुपीज विल बी कन्वर्टेड इन पैसे, मींस 50 × 100 पैसे। एंड नाउ 500 पैसे डिवाइडेड बाय 500 पैसे, सेम विल बी कैंसल। 0 0 0 0 विल कैंसल। नाउ 5 10 50। सो नाउ दिस इक्वल्स 10/1, सो दिस इक्वल्स 10 × 1, इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर फॉर ऑल? सर क्वेश्चन लाइन छोड़ दिया, क्लास यस छोड़ दिया। सर, कौन छोड़ा बेटा? मैं क्वेश्चन हूँ लाइन तो क्लास से छोड़ दी। सर, मैं हूँ सर। कुशल तो क्लास में है तो एक कुशल निकल गया सर। सर। सर सर कोई एक कुशल निकला है। ये सॉरी, मैं तो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। सर सर हमेशा डिस्टर्ब करता है शोर यस में। सर, सर हमेशा अपने आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। सर ओके सो नाउ, सर ओके सो हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस सेशन?
नो सर, नो प्रॉब्लम जी, नो सर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज For 30 rupees to 4500 paise. To solve this question, send your answer in message. Okay. सर 2 मिनट वीडियो ऑफ होगा, चलेगा? मैं चैट में लिख रहा हूँ तो आंसर करो। कुछ आंसर करो। तीर्थ बरडिया, सॉरी तीर्थ कौन है? सौर मेहता करेक्ट आंसर, तानी करेक्ट आंसर, तीर्थ बरडिया करेक्ट आंसर, अनंत पारक करेक्ट आंसर, तीर्थ मेहता करेक्ट आंसर। सर चेष्टा, चेष्टा ट्राई बेटा, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके सर। देशना कुशल पारा करेक्ट आंसर, चार रॉन्ग आंसर सर। कुशल कुशल करेक्ट आंसर, आर्यन जैन रॉन्ग आंसर, देशना रॉन्ग आंसर। चेष्टा wrong answer register. So anyone want to explain this question? Sir, can I? Yes, sir. Sir, can I? Sir, just picture format में क्या देना वैसी इसका view. Sir, can I remove it? Speak in English, okay? Sir, speak in English. Sir, may I explain करूँ? Yes, so sir, so 150 equal to 100 paise. Therefore, 450 rupees. This is plus 450 multiplied by 100 paise. Now, I see all 440 rupees. 450 rupees by 40 rupees. पैसे में आई वे टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे, रुपीस सर नीचे सर जो आ रहा है, मेहता सर कह रहे हैं ना कि वो म्यूट रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वो। क्या आवाज आ रही है बेटा? सॉरी मेहता, सॉरी मेहता, म्यूट कर लो। सॉरी So 450 into 100 divided by 4500. Now 00 cancel and 00 also cancel, 4500 and 45. So this equals 10 upon 1. This equals 10:1. Is it clear? Yes, sir. Any problem? No, sir. It's very easy question, sir. Okay, now next question is ₹40 to
सर अरम जैन को म्यूट करने बोलो। 40 rupees to 8,000 पैसे। सर चाहत का आंसर करेक्ट है। तो मेरा आंसर सही है। सर सेकंड सर मेरा आंसर सही है। 40 rupees to 8,000 पैसे। चाहत करेक्ट है सर। सर चेष्टा एक मिनट प्लीज अपना आंसर को ये करो सिंपल फॉर्म में ना। कुशल करेक्ट आंसर, तेज करेक्ट आंसर, चेष्टा करेक्ट आंसर, तानी करेक्ट आंसर, तेज करेक्ट आंसर, कुशल करेक्ट, तो और कौन है ये कुशल, अनंत, तानी, सभी का आंसर करेक्ट है। अरहम जैन रॉन्ग आंसर, अरहम जैन रॉन्ग आंसर। सर सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आया है? कुशल। सर सबसे पहले कुशल। सर किसका? चाहत। सर तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर मैं बताऊं? एक्सप्लेन करूं? सर मैं एक्सप्लेन करूं? चेतना कौन है? चेष्टा। यस सर। ओके एक्सप्लेन करना क्या बेटा आपको? सर 1 rupees इज इक्वल टू 100 पैसे पर लिखेंगे हम, 40 rupees इज इक्वल टू 40 into 100 पैसे, फिर रेशियो ऑफ 40 to 8,000 पर सर हम लिखेंगे 40 into 100 अपॉन में 8,000, फिर सर उसको कट कर देंगे। और सर अगर हम ऐसा कट ना करके 40 से फिर उसके पीछे डबल जीरो लगा के नीचे 8,000 लिख के कट कर दे, वो भी तो सही होएगा ना? सर 40 को 100 से इंटू करेंगे तो 4,000 आएगा। हाँ। सर फिर उसके नीचे 8,000। सर ये ऐसे इजी ज्यादा पड़ेगा। यस सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। किस पे बेटा? सर मैंने सबसे पहले 40 को 100 से इंटू किया, फिर 8,000 के 40 को ऊपर लिखा और 8 को नीचे लिखा, फिर कट किया तो आंसर 1:2 आ गया। यस सर मैंने भी ज्यादा इजी पढ़ रहा है भाई। करेक्ट है वो तो, करेक्ट है बेटा, सही तो है। अगर सर दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी करेंगे एग्जाम में करेक्ट होएगा ना? फिर से बोलना, फिर से बोलो। सर जैसे कि अपन कर रहे हैं ना 40 into 100 अपॉन 8,000, तो सर 40 में into 100 करके हम डायरेक्ट 4,000 अपॉन 8,000 लिख देंगे। 80,000 ऑलरेडी पैसे में, तो हम 40 को 100 से इंटू करके उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो भी तो सेम आंसर आएगा। यस सर। सर लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। नो सर नो कंफ्यूजन। सर ये सोच करके गलत आंसर निकाल सर, तो ये वाली मेथड भी कर सकते हैं ना एग्जाम में? दोनों मेथड सही है। ओके35 kg to 700 grams. सर मेरा आंसर सही है।
सर चार का आंसर करेक्ट है। वेट करो चेक करने दो। सर तेज बलडिया आंसर सही है। रॉन्ग आंसर तेज कुशल रॉन्ग आंसर सारे रॉन्ग आंसर तेज बलडिया रॉन्ग आंसर आनंद पारक। ओके नाउ वेट फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। So we know that one kg, this it was 1000 gram. So therefore, 35 kg, this it was 50. Sir, answer me, batao. Sir, answer me, batao. 5 is to 1. Now wait. 50 is to 1. Wait. ग्राम 7 × 35. So this equal 5 × 10 means 50/1. So this equals 50 is to 1 is correct answer. Only Arham Jain. Only Arham Jain का answer जो है वो correct है। Sir मैंने बाद में correct answer send भी किया है। Yes sir मैं भी। Okay. Sir मैंने भी किया आप तो गलत बोल दिए उसको फिर। वेट करो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सर मैंने भी सही किया है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनंत पारक करेक्ट आंसर। सर कुशल पारक एक मिनट करेक्ट आंसर। अनंत करेक्ट आंसर। सर मैं पहला आंसर दिया। रॉन्ग आंसर कुशल रॉन्ग आंसर। कुशल पारक रॉन्ग आंसर। तानी आदि चेष्टा चाहत देशना सॉल्व दिस क्वेश्चन। चाहत तीर्थ मेहता। सर मैं आंसर को मतलब मैं आंसर अभी ना सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है कोशिश करो सॉल्व ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके इट इज नॉट डन। सर मैं बस डिवाइड कर रही हूं।
Yes, sister. You have to write this one in simplest form. Okay, sir. Tani, have you any problem, Tani? No, sir. Answer send karo beta, Tani, solve ho gaya. आप लोग टेबल को देखो. इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन टू जा एंड इलेवन थ्री जा एंड इलेवन इलेवन जा. इट इज ए हिंट फॉर दिस क्वेश्चन. कुशल पारक, अगेन योर आंसर इज रॉन्ग. कुशल पारक करेक्ट आंसर. कुशल पारक करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मल्टीपल्स ऑफ 11. सर अब मैंने वन लगा दिया तो सामने में गलती से. ठीक है. चेष्टा, तानी, आदि जैन रॉन्ग आंसर. चेष्टा पोचर करेक्ट आंसर. चाहत, अरहम, अरिहन, तानी, सर मैं फर्स्ट आंसर दिया तो मैं सॉल्व करके बताऊं. आनंद पारक दिया था. चाहत अच्छे से देखा कि मिस्टेक हुआ. तानी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है क्या तानी? नो सर, इतने बड़े बड़े नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रहा. 11 का टेबल देखो बेटा. 11 का टेबल सर कैलकुलेटर यूज कर रही है. नहीं सर. यस सर. 11 का क्यों लिखेंगे? 121 से वो करना है तो 11, 11, 7, 21. ओके देखो मैं सॉल्व कर दूं या किसी को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं. ओके नाउ सो दिस वन इज. सर मैं बताऊं? सर मैं सॉल्व करूंगा. 1210 means 11 will be multiplied by 110. So this equals 11 3 are 33 and 11 and 0 will be cancelled. So 3 into 100 this means 300 divided 11. सर ये तो हम लोग पहले जीरो कट करके फिर 11 डायरेक्ट आ जाएगा तो वो भी कर सकते हैं. दैट इज आल्सो करेक्ट मेथड. दैट इज आल्सो करेक्ट मेथड. सर राइट आंसर है. फुल राइट आंसर है मेरा. यस आप पहले जीरो कर सकते हैं. बोल दिए आप पहले जीरो कर सकते हो. 33 into 1000
सर मेरा आंसर राइट था, मैं से गलती से पहले थे ना बैठे थे ना तब मैंने यही आंसर आपको सेंड किया था। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? चाहत चेष्टा तीर्थ मेहता सौर आदि सर मेरा आंसर करेक्ट था, बस मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा। ओके बेटा थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर।